उन्नाव के मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहां पर कूड़े का अंबार लगा रहता है, इस विषय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजेश वर्मा से कूड़े के अंबार के विषय में बात की गई, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि हमारे पास सफाई कर्मचारी की कमी होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कूड़े का अंबार लगा रहता है। कूड़ा वही लगाया जाता है जहां निष्प्रयोज्य बिल्डिंग में कूड़े का बायोमेट्रिक अंबार ऐसी जगह लगाया जाता है जो समाज के लोगों से दूर रहे। वही अधीक्षक राजेश वर्मा ने बताया कि इस निष्प्रयोज्य बिल्डिंग को किसी काम में प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल कूड़े का अंबार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में लगा हुआ था जो कि नगर पंचायत के द्वारा उठाया जा रहा था। अधीक्षक राजेश वर्मा ने बताया कि निष्प्रयोज्य बिल्डिंग में बायोमेट्रिक प्रतिदिन का कूड़ा कचरा निष्प्रयोज्य और कंडम बिल्डिंग में डाला जाता है। जहाँ तक स्वच्छता अभियान की बात है, जितना मैं सोचता हूँ एक हद तक प्रत्येक कार्य दिवस में इसमें आपको सफाई मिलेगी, मैं इसका प्रमाण भी दे सकता हूँ। कुछ एक हमारे पास निष्प्रयोज्य बिल्डिंग्स हैं, कंडेम्स बिल्डिंग हैं, कुछ ऐसे स्थान हैं जिनको कि किसी कार्य में यूज नहीं किया जाता, तो रूटीन में जो कचरा निकलता है उसको वहाँ पे इसलिए डाला जाता है क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट होता है। अगर इसको कहीं ऐसी जगह डाल देंगे तो उससे लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसको ऐसी जगह डंप किया जाए जो समाज के लोगों से दूर हो। सफाई के लिए मेरे पास सफाई कर्मचारी मात्र एक है, मैंने एक सफाई कर्मचारी अपनी तरफ से संविदा पर रख रखा है।